डरा। ये ना टी कोड है MA01, ओके एम मैं ए तुम स्क्रीन शेयर करोगे अपनी? हाँ मैं कर मैंने की है, मिली नहीं आपको? मैंने तो अभी मेरे पे आ रही है। अच्छा आपकी शेयर कंट्रोल। आपका हाँ कितने वे अभी नजर आ रही है आपको? हाँ जी आ रही। इसमें देखे है ME01, ठीक है। ओके सोर्स लिस्ट जो होती है ना, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है मटेरियल प्लांट और आपका वेंडर का, ठीक ठीक है। हाँ है। मटेरियल प्लांट हम ले लेते हैं अपना। प्लांट कौन सा है? हमारा गामा। ये प्रवी था ना, हमने शुरू आयका लिया हुआ था, तो आयका था शायद, आयका बना। आइका के ऊपर मटेरियल कौन सा है? पिज्जा है ना उसके ऊपर? हाँ मेरा पिज्जा है मेरे ख्याल से, उसपे पिज्जा बना। ये देखे मटेरियल और प्लांट, देखो उसको एंटर किया। तो इसमें सबसे पहले है वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू, ठीक है। ठीक है, ठीक ये कब से वैलिड है? देखिए है। इसके अंदर एंट्री आ रही है, हमने एंट्री की हुई है इसकी। अच्छा सप्लायर कौन सा है? ये सप्लायर है और ये वाला परचेजिंग चलो ठीक है, ठीक ऑर्गेनाइजेशन है। है। ये क्या कह रहा है जी, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? आयका की परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? AY के। अच्छा ये आयका ही है, आयका ही है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आयका ही है। हाँ ये देखो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट असाइनमेंट, ये जो है ना, ये चीज सोर्स लिस्ट ये डिफाइन कर रही है कि जो सोर्स लिस्ट के अंदर जो वेंडर और मटेरियल असाइन हो जाता है, उसके अलावा फिर ये मटेरियल किसी और वेंडर से जो है ना परचेज नहीं हो सकता। ओके 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 फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ओके कंपनी का जो ऑनर होते हैं ना, किसी भी कंपनी के, उनकी परचेजिंग वो खुद हाँ नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा परचेजिंग उनके नीचे उनकी जो टीम है वही कर रही होती है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है। तो फिर वहां पे ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि वहां पे वेंडर जो है अप्रूव अप्रूव करवाए जाते हैं, के मार्केट से कंपैरिजन लिया जाता है, फिर बताया जाता है जी फलां वेंडर बेहतर है फलां बेहतर है, फिर वो वेंडर और मटेरियल लॉक कर दिया जाता है कि इस मटेरियल जो ये जो मटेरियल है, इस वेंडर के अलावा किसी और से परचेज ना हो, ठीक है। ठीक है। हेलो हेलो हाँ मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हाँ हूँ। ठीक जी। तो ये सोर्स लिस्ट है सिंपल, ये छोटा सा टी कोड है, इसमें कोई इतनी लंबी जोड़ी चीज नहीं है। ये इसको सेव कर दिया, ओके ये जो है ना जी इसकी सोर्स लिस्ट जो है ना जी वो सेव हो गई, अच्छा मतलब ठीक। बस ओके इतना सा काम ओके है, ठीक ओके है। अगर इसको चेंज करना हो तो वो ओके ओके है E02, इसका चेंज है, एंटर करेंगे और इसको यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको पूरी उसका जो है ना वो मिल जाएगा ME01। ये देखिए ओके लॉजिस्टिक इनपुट कॉर्ड के नीचे सोर्स लिस्ट है, सोर्स लिस्ट के अंदर ये मेंटेन है, ये डिस्प्ले और ये चेंज है। इन्हें कैसे किया? ME01 सर्च, दिस ME04 सर्च है, ME04। सर्च मतलब नहीं, मतलब ये जो लाया सीधा इधर से, एक वो जो विंडो खुली थी ना पहले। ये यहाँ पे क्लिक करके ना किसी भी जगह पे कंट्रोल एफ करेंगे ना, तो यहाँ पे टी कोड देंगे, वो आपको बता देगा सारा कुछ। कंट्रोल एफ, ओके कंट्रोल एफ, ओके ठीक है। ये कोई पागल ही था प्रोग्रामर। SAP का सीक्वेंस है कि जो वन हाँ क्रिएट है उसका टू चेंज और थ्री डिस्प्ले है, ठीक है। उसने वन हाँ वन वही 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 देखो। हाँ इसने वन क्रिएट किया, थ्री डिस्प्ले कर दिया और फोर जो है चेंज कर दिया इसने। नहीं तो हाँ नॉर्मली तो नहीं होता ना, 2 और 3 होता ना ये। हाँ वन टू थ्री होता है, वन और टू थ्री हर जगह होता है, 1 2 3, 1 मेंटेन चेंज डिस्प्ले होता है ना। ऐसे ही आई। ये देखो चलो तो वन टू ओके थ्री है हर जगह पे, वन टू थ्री होता है, इसने फोर लगा दिया इसके अंदर। अच्छा इसको डिस्प्ले करना है चलो तो चलो डिस्प्ले ME03 डिस्प्ले है इसका,
ओके 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 हाँ ये मटेरियल है, आप इसको देख सकते हैं जी। ये अब ये मटेरियल जो है ना, अगर आप किसी और वेंडर से परचेज करने लगेंगे ना, आपको परचेज नहीं करने देगा, सिर्फ ये कंट्रोल है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा ये वो है, ठीक है ओके 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 हाँ जी, तो ये पॉइंट जो है, आप अपने वो रेड हाईलाइट लिस्ट से इसको निकाल दें, कि ये सोर्स डिस्टर्ब ओके अच्छा, ओके 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 उसके बाद क्या था जी? उसके बाद मैं 1 मिनट मैं आगे करता हूँ ना। तुम्हारा ईमेल एड्रेस है, हाँ जी, कर दे, मुझे ईमेल एड्रेस उसी के ऊपर कर दे जिससे मेल मैंने मैं आपको इसको किया। इसको हाँ मैंने इसको देखिए सेव करता हूँ इसको से। ईमेल, मैं ईमेल पे जाता हूँ। एक सेकेंड में कर रहा हूँ। तुम्हारा सेफ एसकॉम जी पे है ना? नहीं आओ, नहीं मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा, वो नहीं, वो शेयर हो जाएगी वो लिस्ट। आप चलिए आगे चलते हैं, आगे ना ओके वो। ओके मैंने कर दी कर दी, तुम्हारे पास आ गई ईमेल आ गई। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या सोर्स लिस्ट किया ना? हाँ वही, अभी सोर्स लिस्ट की अभी हमने ना, ये बाकी ये प्रोक्योर टू, ये मैंने पता नहीं प्राइसिंग प्रोसीजर उसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है है, उसके इसमें। बाद कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जो ये मैंने भाई बोले ये रेड वाले तुम्हें, ये मतलब रियल जिंदगी में या रियल इंटरव्यूज में पूछते हैं इन बारे में, या मतलब क्या होता है ये? आप सिर्फ ये जब जॉब जब शुरू देखिए, हो जाए कहानी, जितनी जब जितनी पता करना मेजर होता है ये? जो जितने मेजर पॉइंट्स थे ना, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। बाकी जो जो भी गाड़ी आप यूज करते हैं ना, हाँ आपके पास जो इस वक्त गाड़ी है, ठीक है, उसमें हाँ हजारों फीचर्स हाँ होंगे, लेकिन आप कॉमनली दो चार फीचर यूज करते हो, या आप वाइपर यूज कर लेते हो, या इंडिकेटर चला लेते हो, या हेडलाइट चला लेते हो। बाकी हजारों फीचर सही कह होते रहे हैं सही कि कह यूज रहे। नहीं होते, किसी खास स्पेसिफिक जगह पे जाके चीजें यूज होती हैं। चीजें एसएपी के अंदर बहुत ज्यादा है, हमारी सोच से भी ज्यादा चीजें हैं। लेकिन ये सही कह रहे हो। आप इन चीजों को छोड़ के अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, तो एमएम इससे डबल चीजें आपको और मिल जाएंगी। ये कुछ भी नहीं है, ठीक मेरे है। मेरा तुम्हारे से पूछने का क्या मतलब है कि वो मुझे सही बिल्कुल कह रहे हो, अग्री कर रहा हूँ। अगर जब मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे मतलब जो इंटरव्यूज होते हैं जो भी होते हैं है ना, जब शुरुआत हाँ होता है दरवाजे के अंदर हाँ जाने हाँ का, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक सिग्निफिकेंट है या नहीं? मतलब ये इनका फर्क इनके बारे में नहीं पता है, कुछ भी पूछ सकते हो उठा के वो। यार, आप बिल्कुल रेडी हो मेरी तरफ से, ठीक है। आप टेंशन ना लो इस चीज की। अगर आपको अच्छा कोई कहीं पे जॉब, कहीं पे कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी निकल दिया, तो आप ट्राई तो करके देखो। आप ट्राई करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो क्या करते हो फिर? मैं शुरू करूं ट्राई करना, मतलब लगता है हाँ, तुम्हें ट्राई मतलब, करें, एक दो इंटरव्यू क्योंकि दे, आपको कम से कम आइडिया तो हो यार। लोग के पूछ कर रहे हैं, मार्केट का मार्केट जो है ना, मार्केट से जो है ना, वो वेरिएशन होती है। अब हमारे एशिया में मार्केट से क्या क्वेश्चन होते हैं, आपकी तरफ क्या होते हैं, एक दफा इंटरव्यू तो दें, तो कम से कम हाँ मार्केट का आइडिया तो हो आपको। ठीक है ठीक है।
ठीक है। अच्छा तो अभी ये आप, फिर इनका फिर टॉपिक ना रहने दे, फिर अभी मतलब वेस्ट अभी रहने दे, टाइम ना वेस्ट करें, आगे चलें फिर। इसमें जो चीजें है ना, ये सोर्स लिस्ट हर जगह पे यूज नहीं होती, इसके नीचे मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या है। तुम देख लो, मतलब जो जो भी तुम्हें लगता है स्पेशल, मतलब ये है। प्राइसिंग प्रोसीजर जो है ना, ये चीज है, ये वाली, ये पता होना चाहिए, प्राइसिंग प्रोसीजर जो है ना, ये चीज ठीक है। ठीक है, चलो प्राइसिंग प्रोसीजर वही फिर कर लेते हैं करना। फिर। हाँ, जो भी तुम्हें लगता है, मतलब जो अच्छा, ये सोर्स लिस्ट को आप अपने अपने ये आपको दिमाग से निकला अभी कि नहीं निकला? अच्छा, हाँ, निकल के निकल के निकल के सोच से समझ आ गया कि बेसिकली उसके आगे आपने लिखा है एक पर्टिकुलर आइटम जो उसके मतलब उसके आगे आपने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक आग। है। सोर्स लिस्ट के बाद हाँ जो जी, हाँ जी, हाईलाइटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हेलो ओके। हेलो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, हेलो, मैं ही हूँ, इधर हूँ, इधर ही हूँ। हेलो, अच्छा मैं कह रहा हूं कि आपकी जो लिस्ट है ना, उसके अंदर सोर्स ये आवाज आ रही है आपको? कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट है, आ रही है अभी आवाज। अभी जो है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट हाँ शुरू करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ताकि जो ओके कंफ्यूजन है वो ओके दूर हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट के ना ME31K, सॉरी स्क्रीन, मैं तुम्हारी स्क्रीन पे आता हूँ कि मेरी शेयर मेरी नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। हाँ, मैं आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ME31K। अभी तुम्हारी ये साफ वाली है ना? देखे आ गई है। हाँ, आ रही है, मेरी मेरे को आ रही है। हाँ, मैं ये है इसको ME31K, ठीक आ रही है। है, आ रही है। हाँ, इसको एंटर कर दो मैं। 31 31 ME 31K। ओके ओके ठीक अब है। इसको एंटर करने के बाद ये देखें तो ये स्क्रीन, अगर ME41 के ऊपर अगर आपने कभी कोटेशन बनाई हो तो सेम उसी तरह की स्क्रीन आ गई है। ये रेफरेंस टू परचेज रिकॉग्निशन एग्रीमेंट डेट परचेज और ऑर्गेनाइजेशन परचेज ग्रुप, ये सारी ठीक वो चीजें हैं। इसको है देना है ठीक है ठीक है सप्लायर, ठीक है ठीक ठीक है, और सप्लायर देने के बाद इसको करना जी एंटर। है ठीक एंटर है करने के ठीक बाद वो पूछा इसकी वैलिडिटी स्टार्ट कब से है और एंड कब से है। एंड इसको मैं कर देता हूँ जी 30/9, है ठीक ठीक है। अब ये परचेज ऑर्डर वाला फॉर्म खुल गया सारा, परचेज ऑर्डर के अंदर जो मटेरियल है उसके साथ ठीक क्वांटिटी उसकी प्राइस, है। ठीक हाँ, है, ये सारी चीजें वो वाली। अब इसमें फर्क क्या है, ठीक देखिए है ठीक है ठीक है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जैसे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है ना, वो ठीक आपकी लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होती है। जैसे हमने जैसे एंटर किया तो उसने पूछा वैलिडिटी कब तक खत्म होनी इसकी, ठीक है। है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर काम करना, किसी 2 दिन ठीक के, है ठीक है 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए। तो ये भी है एक ठीक ऑर्डर है। ही, जैसे हम ऑर्डर करते हैं ना परचेज ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर ही है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी से 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, भाई मुझे ग्रोसरी का सामान पूरे महीने के लिए तुमने मुझे इस प्राइस के ऊपर देना है। ओके, समझ आ गया। और मतलब सेम चीज है, ऑर्डर, मतलब एक वैलिडिटी के साथ है। हाँ हाँ, परचेज ऑर्डर होता है कि जी वन टाइम ऑर्डर किया चीज ले ली, ये होता है परचेज ऑर्डर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक ठीक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपने एक चीज जो है वो है, डिसाइड करनी होती है। ओके 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 तो इसको ओके अगर लगाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, जो परचेज ऑर्डर लगाते हैं सेम एज इट इज ये भी लगता है। टारगेट ओके क्वांटिटी, इसकी टारगेट क्वांटिटी हमेशा ज्यादा ही होगी परचेज ऑर्डर से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मल्टीपल आपका। ये नहीं, ये बस इसको सेव कर दें आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक इसमें कोई मुश्किल काम ठीक नहीं है है ठीक कॉन्ट्रैक्ट है ठीक लगाना, है। ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर लग गया, ठीक है। ओके 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 अच्छा ओके ये राइट भी आपके लिस्ट से राइट निकल गया। ठीक है ठीक है ठीक है। लिस्ट निकल गया। उसके बाद आ जाती है परचेजिंग प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है। प्राइसिंग प्राइसिंग प्रोसीजर, हाँ जी हाँ जी प्रोसीजर जो है ना, ये थोड़ा सा काम लंबा है, कम से कम आधे घंटे का काम है। शुरू करें इसको, भाई साथ तुम शुरू जो कर करना दें, है कर लो, बताओ, शुरू मैं तो करते बैठा हैं। हूँ। प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होती ठीक है है कि ठीक जो भी हम परचेज ऑर्डर लगाते हैं ना 21N से, ठीक है, है। अच्छी यहां पे मैं मटेरियल दिया,
अभी अभी स्क्रीन दिख नहीं रही है, अभी वही दिख रही है वो। नहीं दिख रही। हाँ अब दिख रही है। ये जो क्या कर रहे हो, ये एसएपी की ना क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट वाली ये इनिशियल परचेज स्क्रीन आ गई ऑर्डर है। वाली अब स्क्रीन, इसका तो पता ना आ गई, आपको, अब आ गई, अब आ ये परचेज ऑर्डर वाली स्क्रीन है, इसका तो आपको पता ना। गई पता है। अभी ये देखिए, जैसे परचेज ऑर्डर लगाया ना, तो ये इस मटेरियल की क्वांटिटी 100 है और प्राइस इसकी है जी, वो ठीक है, है 10। ओके। अच्छा, इसको लगाने के बाद ना, ये नीचे ये आइटम डिटेल वाला टैब है, इसके अंदर आ जाती है कंडीशन, ये कंडीशन का टैब है ये ठीक वाला, है, ठीक है। ये आप कंडीशन के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है ना, ग्रॉस प्राइस इसकी, ठीक इसकी है। हाँ नॉन डिडक्टेबल प्राइस, इसकी कैश डिस्काउंट, इसका ओटीबी प्रोक्योरमेंट, ये हाँ सारा प्राइसिंग प्रोसीजर है। हाँ प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होना चाहिए? प्राइसिंग ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक प्रोसीजर है। बेसिकली बनता है कि जब हम परचेज ऑर्डर लगाते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ तो हम प्राइस दे रहे होते हैं उसको, वेंडर को, कुछ हम उसमें फ्रेट फ्रेट के चार्जेस होते हैं, कुछ डिस्काउंट होता है उसके अंदर, कोई हमारे पास कोई बोनस वाली चीज, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कैलकुलेट करने के लिए ये नीचे एक प्रोसेस बनता है, प्राइसिंग प्रोसीजर बनता है, ताकि हम उसके अंदर वैल्यू डालें तो ठीक उसका है, कैलकुलेशन होती जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अब प्राइसिंग प्रोसेजर समझ आ गई होता क्या है, इसको बना लेते हैं अभी। ठीक है, ओके। हाँ एसपी आर ओ, ठीक है, एसपी आर ओ के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर परचेजिंग, और परचेजिंग के अंदर इसका है अच्छा, हाँ, इसके अंदर है जी कंडीशन। ओके ओके ओके। कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमने ये जो चीज है, डिफाइन प्राइसिंग डिटरमिनेशन प्रोसेस, ये है ठीक है। प्रोसेस, ओके ओके इसके अंदर है जी डिफाइन कंडीशन टाइप्स। ओके ठीक कंडीशन टाइप के अंदर ये है जी सेटअप प्राइसिंग, कंडीशन टाइप परचेजिंग, ये स्टैंडर्ड की जितनी भी प्राइसिंग प्रोसीजर है सारी इसके अंदर पड़ी है, ठीक है। है, ठीक इसके है, अंदर ठीक है। मटेरियल रिबेट है, हरारकी रिबेट है, हरारकी कस्टमर रिबेट है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, ठीक फिर हर एक के साथ दो चीजें आ रही हैं, एक परसेंटेज में है और एक क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कि ठीक है, हमने जो जब इसकी वैल्यू देनी है तो परसेंटेज में देनी है, या क्वांटिटी के अंदर होता है कि हमने ठीक है, उसके अंदर प्राइस जो है वो मैनुअल पुट करनी है, और ठीक है, ठीक है। फिक्स अमाउंट में होता है कि हमने इसको, हमारी जो प्राइस है वो फिक्स होगी, जितनी भी देंगे वो फिक्स होगी, वो चेंजेबल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक ये इतनी तरह के ना खुले हुए हैं, तो हम भी अपनी बना लेते हैं, प्राइस है, ठीक प्रोसीजर अपना बना लेते हैं। पहले है, ठीक दे देते हैं जी हम इसमें ये ग्रॉस प्राइस है, ये है। पीएक्स इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कॉपी किया, इसको यहाँ पे इसका नाम रखा जी डिस्काउंट, ठीक है, ठीक ये DIS बन गई। फिर है, ठीक ये होता जी कि इस कंडीशन जो है, इसने आइटम के ऊपर आना है या हेडर के ऊपर आना है, ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। इसको करके मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर सेव,
ठीक है। एक डिस्काउंट लिया है, और डिस्काउंट की एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं भी, इसको परसेंटेज कर देते हैं, इसको कर देते जी टैक्स। अच्छा मैंने दो बनाई है, एक टैक्स की और एक ओके डीएससी की, ठीक है। हाँ ओके ओके सेव कर दिए, इसको सेव करने के बाद बाहर आ जाना, पीछे तो दो। और ये कंडीशन टाइप के बाद हमने आना जी डिफाइन जो है सेट कैलकुलेशन स्कीमा स्कीमा। हाँ ये स्कीमा कैलकुलेशन स्कीमा जो है वो हम न्यू बना रहे हैं यहां से, ओके इसका नाम क्या रखना जी? प्रोसीजर रख लेना। ओके सेव, जो प्रोसीजर बनता है इसके अंदर कंट्रोल में जाके यहाँ पे हमने देनी होती है जिसको इसको कंडीशन टाइप। हमने कंडीशन टाइप कौन सी बनाई है? डिस्काउंट, डिस्काउंट और टैक्स टैक्स इसको क्लिक किया यहां से सेव, ठीक है। ठीक ठीक, जो है ना यहाँ पे बनना है डिफाइन स्कीमा ग्रुप, ओके स्कीमा सप्लायर ग्रुप के अंदर मैं ग्रुप बना रहा हूँ। ये पहले इतने बने हुए हैं, मैं एक नया बना रहा हूँ, ये ठीक थर्टी है थर्टी तक ठीक बना हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ जी 40। है ओके उसके बाद है स्कीमा डिटर्मिनेशन। ओके डिटर्मिनेशन के अंदर यहाँ पे क्या करना जी, न्यू एंट्री डालनी है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ठीक AYI का, और स्कीमा होगा ओके 40, और प्राइसिंग प्रोसीजर होगा ये वाला। समझ आई मैंने किया क्या? हाँ 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 आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही थोड़ा बहुत आ रही है मैं कर रहा हूँ फॉलो ठीक है, वेंडर जो है ना उसको खोल क्या देते हैं XK02 में। देखा करो आप
नहीं मुझे पापा नेक्स्ट टू जितना बूढ़ा हो ना मिस बैठ ओ मैं मिस ओ कभी सरपंच यहाँ पे देखिए कहीं पे स्कीमा आ रहा है। ऐसा होता ओके ओके नीचे से दे दो तुम अंदर ओके ये वेंडर को ना स्कीमा साइन करना है, जैसे वो ढूंढ रहा हूँ मैं। ठीक ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक 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 साहब चल रहा है ना। हेलो हाँ यार ये वाली स्क्रीन नजर आ रही ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको ये वाली हाँ अब आ रही है, ये आ रही है बड़ा वाला। यार ये स्कीमा ग्रुप जो है ना ये सर्च करवाइए कहाँ पे आ रहा है परचेज डाटा के अंदर।
ठीक है ठीक ये अभी दोनों सर्च करते हैं कि मुझे मिल नहीं रहा उसके अंदर ना, परचेज ठीक है ठीक है। डाटा ये हमारा है। इसके अंदर स्कीमा का ना टैब लगता हाइड हुआ है, वो अनहाइड करना पड़ेगा, वही ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। अच्छा अच्छा मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा इसका ठीक होता है क्या है, अभी वो जो हमने स्कीमा बनाया है वो जिस वेंडर को साइन करेंगे ना, ठीक है, तो हाँ जब भी परचेज ऑर्डर लगाएंगे तो नीचे कंडीशन के अंदर ठीक वो जो है भी लाएंगे डिस्काउंट और टैक्स वाली, बस और कुछ भी नहीं उसमें। ठीक 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 है ठीक है ठीक है ये नीचे स्कीमा नहीं, बस ये अपनी मर्जी का बना सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं नहीं जा रही है कोई भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक आप उतनी देर में वो कंडीशन टाइप उसका स्कीमा कैलकुलेशन बना के देखो, ठीक तो वो वेंडर वाला टैब मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा, वो उस पे लगवा के ना आपको टेस्ट करवा देता हूँ उसमें। है ठीक है प्राइसिंग प्रोसीजर के बाद है आउटपुट डिटरमिनेशन, ठीक है ठीक है ठीक ये है जो सिंपल प्रिंट आउट के लिए यूज होता है और कुछ भी नहीं है इसमें। आउटपुट डिटरमिनेशन प्रिंट अच्छा प्रिंट आउट नहीं किया अच्छा आउट के ठीक लिए, है ओके ओके ठीक ऑटो परचेज ऑर्डर क्रिएशन है। ऑटो परचेज ऑर्डर क्रिएशन जो है ना ये आपका, ये मैं एसडी से करवाऊंगा, थर्ड पार्टी सिनेरियो होता है उसमें ऑटो परचेज ऑर्डर क्रिएशन करवा दूंगा। है ठीक उसके बाद है मैथ डिलीशन, मैथ डिलीशन ऑफ परचेज ऑर्डर। हाँ मास रिलेशन ठीक है एसएपी का स्टैंडर्ड डिकोड है कि जिसको कहते हैं हम जी मैस। ओके ये मैस ठीक ओके है, मैस होता है कि कोई भी चीज बल्क में चेंज करने के लिए। अब ठीक मैस है में हाँ ठीक है चेंज करना क्या है, ऑब्जेक्ट यहां से ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी चीजें आ रही हैं, परचेज ऑर्डर ले लेते हैं, परचेज ऑर्डर ठीक है एंटर, इसको किया एग्जीक्यूट। ठीक है ठीक अब परचेज ऑर्डर के अंदर दो चीजें हैं, हेडर है और लाइन आइटम है, ठीक है। मैं कहते मैंने कोई स्पेसिफिक फील्ड चेंज करनी है, और ओके ओके फील्ड ये है जिसका पार्टी टर्म चेंज कर रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूट करता हूँ। कहता है ठीक डॉक्यूमेंट है नंबर बताओ कौन सा चेंज करना है, ठीक है ये नहीं है, मैं सारे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ड्रॉप ड्रॉप ये आज तक जितने भी परचेज ऑर्डर लगे थे सारे खुल गए हैं, ठीक है ठीक है तो इनके पेमेंट टर्म जो है ना मास के अंदर, मैं यहाँ पे इसको क्लिक क्लिक करके सेव कर दूंगा, तो ये मैस अपडेशन हो जाएगी अच्छा और कुछ भी नहीं।